अमेरिका और मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी जैसे ही अमेरिका और मिस्र की यात्रा खत्म कर दिल्ली पहुंचे, वो पालम एयरपोर्ट पर उतरे। उस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे क्या कुछ पूछा, आप भी सुनिए। आज इस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करें। पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे मणिपुर का मुद्दा। पीएम मोदी भले ही इस मामले पर चुप हों, लेकिन वे इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर के घटनाक्रम की जानकारी दी है। गृह मंत्री शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई विपक्षी दलों ने हिंसा को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन ब्रेन सिंह को हटाने की भी मांग की थी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।